पर बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं जो संभोग करते हुए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तथा खुद पर कंट्रोल न होने के कारण वह जल्दबाजी करने लगते हैं और लिंग को महिला की योनि में डालकर तेजी से घर्षण करने लगते हैं और इसी वजह से वो 8-10 बार स्ट्रोक लगाते ही झ जाते हैं। कहा जा सकता है कि औजार को योनि में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही धक्के लगाना शुरू नहीं करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि योनि में प्रवेश के तुरंत बाद लगभग 10 या 15 सेकंड तक धक्के नहीं लगाना चाहिए, बल्कि औजार को योनि में ऐसे ही पड़े रहने देना चाहिए और जब उत्तेजना का वेग कम पड़ जाए तब धीरे धीरे घर्षण शुरू करना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तेजना यदि अधिक बढ़ने लगे तो स्ट्रोक लगाना बंद करके लिंग को योनि से बाहर निकाल लेना चाहिए। इसके बाद 5 या 10 सेकंड आराम करना चाहिए। आराम करने के बाद धीरे धीरे धक्के लगाकर घर्षण शुरू कर देना चाहिए। इस प्रकार संभोग करने से पुरुष को यह महसूस होगा कि इस बार उत्तेजना कुछ हद तक काबू में आ गई है। जैसे ही आपका पानी निकलने वाला हो वैसे ही लिंग को योनि से बाहर निकाल लें। इससे स्खलन रुक जाएगा। इस तरह संभोग करने से हर बार रुकना आपको अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण देगा और 4-5 बार इस प्रकार संभोग करने से स्खलन के समय पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। जब उत्तेजना पर नियंत्रण हो जाए फिर धक्कों की गति को बढ़ाया जा सकता है और फिर एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी जिसमें तेज धक्के लगाने से भी आपका पानी नहीं निकलेगा। इस विधि से संभोग समय 15 मिनट से 1 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। घर्षण रोकने की क्रिया को अधिक से अधिक 4 बार ही रोकना चाहिए। अगर इससे अधिक रोका गया तो स्खलन होने में बहुत अधिक रुकावट पैदा हो सकती है। वीर्य स्खलन बहुत देर तक रुक जाना भी कष्टदायक होता है क्योंकि बार बार वीर्य स्खलन में रुकावट उत्पन्न होने से स्खलन केंद्र पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और पुरुष स्खलन के अभाव में पसीने से तर होकर बेचैन होने लगता है। ऐसा होने से पुरुष को वह संभोग सुख भी नहीं मिल पाता जो कि उनको मिलना चाहिए। इस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी पहले ही चरम तक पहुँच जाए और अगर पत्नी चरम पर पहुंच जाए तो उसके बाद घर्षण करने पर पत्नी को बहुत अधिक कष्ट होता है और खुद भी स्खलन न होने से मानसिक तनाव तथा शारीरिक कष्ट होता है। इसलिए इस विधि का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन आपकी टाइमिंग बहुत अधिक हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। धन्यवाद।